दोस्तों डिजीपे का नया वर्जन मोबाइल के लिए आ चुका है, 6.1 वाला है। तो यदि अभी आप इसको प्ले स्टोर पर चेक करोगे तो आपको ये जो डिजीपे का सॉफ्टवेयर है वो नहीं मिलेगा। तो मेरे पास में ये सॉफ्टवेयर है, तो मैं आपको यह सॉफ्टवेयर है जो अपने डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा। तो मेरे पास में यहाँ मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर हमारे जो सीएससी के डीएम हैं उन्होंने मुझे भेजा था, तो मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है। तो किस प्रकार से आपको इंस्टॉल करना है, कैसे आपको चलाना है, 6.1 वाले में क्या क्या सुविधाएं हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ में। दोस्तों मेरे पास में यहाँ पर जो डीजीपे है वो आ चुका है, तो मैं आपको बता देता हूँ मेरे यहाँ पर फाइल मैनेजर में मैंने इसको डाल रखा है। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको डायरेक्ट है जो जाकर के इंस्टॉल कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है डीजीपे 6.1 है APK, तो आपको इसे इंस्टॉल करना है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यह इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने इसे पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है, तो अब मैं आपको इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। आप इसे इंस्टॉल कर लोगे तो सबसे पहले तो मैं आपको इसे अनइंस्टॉल करके फिर दोबारा से इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार से ये काम करेगा, क्योंकि कई भाइयों के जो डीजीपे है वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है। तो इसे किस प्रकार से आपको इंस्टॉल करना है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये मैंने इसको अनइंस्टॉल कर दिया है। दोस्तों अब मैं वापस से फाइल मैनेजर में यहाँ पर जाता हूँ और फाइल मैनेजर पर जा करके मैं आपको इस डीजीपे को जो इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर दोबारा से इसको सर्च कर लेता हूँ अपने फाइल मैनेजर में। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद में यहाँ पर ये इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। अब मैं यहाँ इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इंस्टॉल बटन पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा जो डीजीपे है वो मेरे मोबाइल में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हो हमारा डीजीपे है वो इंस्टॉल हो चुका है। मैं यहाँ पर अब ओपन बटन पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों आपको यहाँ पर ओपन बटन पर क्लिक नहीं करना है, आपको यहाँ से केवल बाहर आ जाना है। इसके बाद में सबसे पहले आपकी जो मंत्रा या मोरफो डिवाइस है उसको आपको OTG से कनेक्ट करके और इसे अपने मोबाइल में लगाना होगा। दोस्तों जब भी आप डीजीपे चलाओ तो सबसे पहले आपको अपनी जो डिवाइस है वो अपने जो फ़ोन है उसके अंदर लगानी है। तो मैंने यहाँ पर मंत्रा लगा दी है। अब मैं यहाँ पर मंत्रा को सबसे पहले यहाँ RD पर आकर के इसको परमिशन दूंगा। तो कैप्चर पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करेंगे और ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आपकी जो डिवाइस है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, रेडी का बटन भी आ चुका है। तो अब मैं यहाँ पर DGPay को ओपन करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इस DGPay को यहाँ ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो हमारा जो DGPay है वो यहाँ पर इस प्रकार से आ जाता है। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट बटन पर यानी अलाउ एक्सेस टू लोकेशन सर्वे टू कंटिन्यू विद DGPay, तो आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ परमिशन मांगी जाएगी, तो आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद फिर अलाउ कर देना होगा। इस प्रकार से दो तीन आपकी जो परमिशन है वो मांगेगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी जो CSE ID है वो डाल देनी है। तो मैं यहाँ पर अपनी जो CSE ID है वो डाल देता हूँ और यहाँ जो नीचे गुड का निशान लगाया वो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैं प्रोसीड बटन पर क्लिक करूंगा तो ये थोड़ा प्रोसेस करेगा। इसके बाद में इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएंगे। दोस्तों आपको यहाँ पर गेट OTP ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो नीचे यहाँ पर जनरेट OTP वाला ऑप्शन आ जाएगा। बहुत से हमारे जो साथी हैं उनके पास में जनरेट OTP वाला जो ऑप्शन नहीं आता, तो उनको अपनी सेटिंग में जा करके अपनी डिस्प्ले की जो सेटिंग है उसको थोड़ा छोटा करना होगा, या जो DGPay है उसकी जो साइज़ है उसको छोटा करना पड़ेगा। यानी वहाँ जा करके आपको डिस्प्ले है उसको छोटा करना पड़ेगा, तभी आपके जनरेट OTP वाला ऑप्शन है जो आएगा, आपको जनरेट OTP पर क्लिक कर देना होगा। और यहाँ पर अब आप देख सकते हो मेरे जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उसके ऊपर एक OTP आएगा, मैं उस OTP को डाल करके इसे एक्सेस कर लूँगा। तो दोस्तों ये आ चुका है मेरा OTP, तो मैं यहाँ पर इसको डाल देता हूँ। इसके बाद में वापस इस गुड पे क्लिक करूँगा और इसके बाद में वेरीफाई OTP पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद में आपको यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसको एक्सेप्ट करके और स्कैन एंड प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है, तो आपको अपने डिवाइस को यहाँ पर दोबारा से कनेक्ट कर लेना होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर डिवाइस को निकाल करके दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो स्कैन रिमूवर एयर ये आ जाता है, तो ओके बटन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर डिवाइस रेडी आ चुका है, अब स्कैन एंड प्रोसीड बटन पर मुझे क्लिक करना होगा। मेरी मंत्रा के अंदर लाइट आ चुकी है, मैंने अपना जो फिंगर है वो लगा दिया है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल आ गया है और मेरा जो DGPay है वो बिल्कुल सही ढंग से यहाँ पर ओपन हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले विड्रॉल वाला ऑप्शन देख सकते हो, बैलेंस इंक्वायरी वाला, मिनी स्टेटमेंट वाला, कार्ड एंड पिन वाला और वैलेट रिचार्ज वाला, पे आउट वाला, ये सारे ऑप्शन आपको पहले की तरह इसमें मिल जाएंगे।
तो दोस्तों इस प्रकार से आपको अपना जो डीजीपे है वो अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। तो सारी प्रोसेस आपने यहाँ पर लाइव देख ली है। यदि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपकी प्रॉब्लम्स का है जो सॉल्यूशन निकाल दूंगा। दोस्तों यहाँ पर ज़्यादातर मैं जो मोबाइल की जो एप्लीकेशन है उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि मोबाइल आपके पास में होता है इसलिए यहाँ पर उसके हम एनी डेस्क पर भी नहीं ले सकते। तो इसको तो आपको थोड़ा सा अपनी जो सेटिंग्स है उसको सही करना होगा, उसी के बाद में ही आपके मोबाइल पर है जो ये डीजीपे है वो चालू होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख देना। चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।